उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार जनभावनाओं को सम्मान करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियां राज्य की सभी नदियों में विसर्जित कराएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश अटल बिहारी वाजपेयी की कर्मभूमि रहा है। प्रदेश के हर क्षेत्र से उनका गहरा लगाव था। अस्थि विसर्जन के जरिए जनता को भी उनकी अंतिम यात्रा से जुड़ने का अवसर मिल सकेगा। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि आगरा में यमुना व चंबल, इलाहाबाद में गंगा, यमुना व टोंस तमसा, वाराणसी में गंगा, गोमती व वरुणा, लखनऊ में गोमती, गोरखपुर में घाघरा, राप्ती, रोहिन, कुवानो व आमी, बलरामपुर में राप्ती, कानपुर नगर में गंगा, कानपुर देहात में यमुना, अलीगढ़ में गंगा व करवन, कासगंज में गंगा, अम्बेडकर नगर में घाघरा व टोंस तमसा, अमेठी में सई व गोमती, अमरोहा में गंगा व सोत, औरैया में यमुना व सिंधु, आजमगढ़ में घाघरा व टोंस तमसा, बदायूं में गंगा, रामगंगा व सोत, बागपत में यमुना, हिंडन व काली नदी, बहराइच में सरयू, घाघरा, करनाली व सुहेली, बलिया में गंगा, घाघरा, गंडक व टोंस तमसा, बांदा में केन व यमुना, बाराबंकी में घाघरा व गोमती, बरेली में रामगंगा व अरिल, बस्ती में घाघरा, कुआनो व मनोरमा, बिजनौर में गंगा व रामगंगा, बुलंदशहर व चंदौली में गंगा, चित्रकूट में यमुना, देवरिया में गंडक, घाघरा व राप्ती, एटा में ईसान और इटावा में चंबल व यमुना नदी में अटल जी की अस्थियां विसर्जित की जाएंगी।